नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीए नीट एग्जामिनेशन रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्या क्या गलतियां हुई है जिसके कारण इतना कट ऑफ आई गई है, उस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट एनटीए ऑफिशियल ने भी बताया कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है। ये कोई 10th 12th का एग्जाम नहीं है जिसमें आप ग्रेस मार्क्स दोगे। उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया जिसके वजह से बच्चों का 718, 719 और इस तरह के नंबर आए हैं, ऐसा एनटीए ऑफिशियल का कहना है। अब सवाल ये उठता है कि उन्हीं बच्चों का क्यों आया, जो ग्रेस मार्क्स देने का कोई सिस्टम तो वो पहले से डिसाइडेड नहीं था, तो अभी ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो ये एक गलतियां हुई है, कोर्ट से भी गलतियां हुई है। दूसरी चीज, जब नीट की पेपर लीक हुई थी, जिसको लेकर के बहुत जगह डिमांड की गई थी कि नीट की पेपर लीक हुई है, जे न्यूज करके, जे डबल न्यूज है, जी न्यूज करके जो एक चैनल है, उन्होंने भी इस पे कहा था कि हमारे पास पूरी प्रूफ है, इसको लेकर के उन्होंने एविडेंस भी देने की तैयारी की थी। पुलिस ने भी बहुत सारे प्रूफ बताए थे, जो पटना पुलिस थी और अदर स्टेट की पुलिस भी थी। तीसरी चीज, आप देखोगे कि एक ही सेंटर से 8-8, 10-10 बच्चे जो है वो टॉपर लिस्ट में है, ऐसा एक जगह नहीं कई जगह देखने को मिलेगा। 680-690 मार्क्स वाले बच्चों में एक ही सेंटर से वो बच्चे हैं। अब आप सोच सकते हो कि सेम सेंटर से अगर एक ही सेंटर से 10-10, 20-20 बच्चे अगर इस तरह का निकल रहे हैं, तो शक तो जाता है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ गलतियां तो हुई है, कुछ ना कुछ धांधली तो हुई है। उसके बाद भी कि उन्होंने एक सवाल और शक के दायरे में एनटीए पे जाता है कि उन्होंने 4 तारीख का ही डेट क्यों चुना, क्योंकि सारे लोग इलेक्शन में व्यस्त रहेंगे तो रिजल्ट इधर अनाउंस कर देते। एक और चीज इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि जब एनटीए को ने खुद ऑफिशियल बोला था कि हम 14 जून को रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तो पहले क्यों रिजल्ट अनाउंस किया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एनटीए शक के दायरे में जा रहा है। आजकल के समय में मेडिकल एक सबसे प्रेशियस प्रोफेशन है, सबसे बेस्ट प्रोफेशन माना जाता है, जहां पर हजारों बच्चे के सपने और उम्मीद जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर 25 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े संस्थान इसको बिजनेस के तौर पर देखते हैं, और देश के बिजनेस का बड़ा हिस्सा नीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से आता है दोस्तों। अब आप सोच सकते हो कि ये छोटा मैटर नहीं है, बहुत सारे बच्चे नीट डी एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं और पेपर को फ्रेश तरीके से करवाने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को एनटीए मानती है नहीं मानती है, इसी को चीजों को देखना है हमें। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें जो भी एनटीए ने किया है, चाहे कोर्ट के ऑर्डर से किया है ग्रेस मार्क्स देने का या पेपर लीक के चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं एनटीए ने गलतियां की है, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, चीजें सामने आएगी, हम सबको पता चलेगा, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।